नमस्कार, आपका बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मैं हूं डिंपी कालरा। तो मार्केट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि रिलायंस की बदौलत बाजार कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग नोट पे वापस खड़ा कर रहा है। और आज भी हमने देखा है कि दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास अभी बाजार ट्रेड कर रहा है। ये जो 50 अंकों की बढ़त है इसमें रिलायंस का बड़ा योगदान, क्योंकि 3% ऊपर 1300 का स्तर रिलायंस पे आ चुका है। आज आईटी को छोड़ ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। कॉमोडिटीज के शेयर, चाहे चावल हो, चीनी हो, रबर हो, इन सभी के अंदर हमने स्ट्रांग मोमेंटम आते हुए दिखा। ऑटो शायद अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एक करते समय एक बार वॉच और करेगा कि बाजार के अंदर और पुख्ता आंकड़े क्या आते हैं। लेकिन इंफ्रा के अंदर, स्पेशली छोटे इंफ्रा कंपनीज के अंदर अभी भी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। आपके सवालों के जवाब देंगे इसी कार्यक्रम में। एक बार आपको तरीका बता देते हैं कैसे इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, कैसे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमको SMS कीजिए, टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, दूसरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उस नंबर पर भी आप फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। आज दिल्ली के दर्शक हमारे से खास कर जुड़ेंगे, क्योंकि आज दिल्ली स्पेशल है और इस पर हम दिल्ली के दर्शकों का जवाब देंगे। साथ ही साथ आप SMS के जरिए भी हमको सवाल अपना भेज सकते हैं। 57575 पर हमको SMS करना है। इसके अलावा WhatsApp के जरिए भी आप, ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप चाहें तो हमको WhatsApp कीजिए और जानिए एक्सपर्ट्स पे करना क्या। इम्तियाज कुरैशी जो कि टेक्निकली बताएंगे मार्केट के अंदर आज हमको क्या करना चाहिए और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और संजीव जैन से हम ये समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर इस समय फंडामेंटल राय वो क्या रखती है और जो पर्टिकुलर सवाल आप जो पूछ रहे हैं उनके जवाब क्या हैं। चलिए सवाल जब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अमित मिश्रा जी हैं दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। मिश्रा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछे आप। नमस्कार सर जी। नमस्ते। मैं वो खार्ड का शेयर लिया हूँ 772 के रेट पे, 100 शेयर मैंने लिए हैं। इसका शॉर्ट टर्म नजरिया है 1। ठीक है, अभी नुकसान है करीब करीब 60 रुपए का। आप बता रहे हैं 100 शेयर हैं, यानी कि नुकसान आपका 6000 रुपये का है। ठीक है, पूछते हैं क्या करना चाहिए। इम्तियाज शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल वखार पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? जितना चार्ट मैं समझ पा रहा हूँ शायद 700 के नीचे नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा ये। क्या पुल बैक की टेंडेंसी आपको दिखती है शेयर में? एक बार स्टॉप लॉस रखें तो अब क्या रखें? 60 रुपये ऑलरेडी गवा चुके हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी। नो डाउट काफ़ी अच्छा हमने एक पोस्ट चार दिन पहले एक अच्छी पुल बैक देखी थी और वो पुल बैक अभी भी उसी दायरे में अभी तक वो कार्ड अपने आप को ट्रेड कर रहा है 773-705 और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है स्क्वीज होकर 708 पे आ गई है। तो इनको पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 708 रुपये का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं होता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली ऊपर में आने वाले दिनों में हमें 800-805 के रेंज देखने मिल सकते हैं वो कार्ड फॉर्म में। तो बने रहिए विद स्टॉप लॉस 708। जी, तो 708 एक लेवल है, इसको आप ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ BS गिल हैं, दिल्ली से ही मौजूद हैं। गिल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गिल साहब, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मैंने यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज खरीदा हुआ है 50 शेयर 321 रुपए के रेट पे। जी, तो इसको मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं? आपका नजरिया वैसे क्या है अदरवाइज जो आपने रखा हुआ है? मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। ओके संजीव, इनका सवाल यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज पर है। 50 शेयर हैं, 321 के भाव पे खरीदारी है, कुछ बड़े बाजार के जो नाम है उसने भी इन कंपनी में निवेश कर रखा है। आप क्या राय रखते हैं यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज पे? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए यूनिप्लाई इंडस्ट्री पे मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी। आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है और यू नो कंपनी लास्ट सेवरल ईयर से यू नो कंटिन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कंटिन्यू एक हेल्दी ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। देखिए कंपनी अपने मार्केट शेयर को वाइडन करने की भी यू नो स्ट्रैटेजी में है और हाल ही में कंपनी ने यू नो 9% के आसपास अब स्टेक बढ़ाया था UV बोर्ड में। तो ओवरऑल यूनिप्लाई के लिए मेरी होल्ड की सलाह होगी। ठीक है, इस पीछे एक और कॉलर है, राजेश है, ये दिल्ली से ही है। राजेश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। कोई कॉल ले रखी है क्या आपने? हाँ जी नमस्कार जी, मेरे पास अरविंदो फार्मा की कॉल है 700 रुपए की, 17.05 रुपए में ली थी जी मैंने। 700 की कॉल है और 17.50 रुपए की खरीदी हुई है क्या? 17.05 रुपए। ठीक है, 750 आप बता रहे हैं ना स्ट्राइक? बस स्ट्राइक कौन सी आपकी? 700 की। ठीक है, अभी मेरे पास जो कॉल के रेट है वो करीब करीब 12 रुपए है, 17 की आपकी खरीद है, नुकसान तो यहाँ से मिल रहा है। एक बार प्राइस पैटर्न समझ लेते हैं कि पैसा कॉल से आएगा या फिर नहीं आएगा। हालांकि एक्टिव कॉल है, प्राइस के साथ रिएक्शन भी दी गई है। इम्तियाज आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये शेयर अभी तो ट्रेड कर रहा है 666 पे, ये 700 अगर आ गया ना तो ये कॉल डबल भी हो सकती है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा खड़ा है। कितनी टेंडेंसी आपको लगती है कि अगले 5-7 दिन के अंदर ये शेयर कम से कम 25-30 रुपए चल जाएगा
और अगर नहीं चला तो कोई इमीडिएट मेरे को स्टॉप लॉस भी बताइएगा, अगर वो हिट हो जाएगा मैं इस कॉल से भी बाहर आ जाऊंगा, तो कम से कम 10 रुपये तो बचा के ले ही आऊंगा, तो मेरे को इमीडिएटली एक नियर बाय स्टॉप लॉस बता दीजिए और 700 आने के कितने चांसेस हैं ये भी बता दीजिए। देखिए रिम्पी, पहले तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, अरविंदो फार्मा के बारे में। यहाँ पे 656 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि तकरीबन यहाँ से 10 से 11 रुपए डाउनसाइड है। अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये महीने में स्टॉक 730 732 तक है ऊपर स्तर को छू सकते हैं। तो एक ये फैक्टर क्लियर है कि 656 के स्टॉप लॉस से अगर इनके कॉल ऑप्शन है उनको भी वैसे ही 656 के ऑनेस्ट कैश बेसिस में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 656 के नीचे गया तो इनके जो भी प्रीमियम्स है वो प्रीमियम पे इनको एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो लंबी टाइम फ्रेम है हमारे पास, 30-31 को एक्सपायरी आएगी, तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए इनके पास पोटेंशियल है कि यहाँ पे ये पोजिशन को होल्ड करे। और मेरे ख्याल से एक भी स्पाइक अगर आती है तो स्टॉक्स में हायर हाई बनते ही ये स्टॉक 700-730 तक भी ऊपर के स्तर में जा सकता है, तो वहां पे इनको अच्छा गेन मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 656 ऑन अ कैश बेसिस। जी, तो आपको बने रहने की राय दी गई है अरविंदो फार्मा की इस पोजीशन के अंदर, आपने जो कॉल ले रखी है उसमें आप बने रह सकते हैं। बातचीत करते हैं, वैसा संदीप है दिल्ली से, अगला दर्शक है। संदीप जी नमस्कार। सर मेरे पास एचपीएल पावर है 1500 एट 43 पे, ओके, और कावेरी सीड है 50 शेयर एट 389 पे, ओके, और नजरिया क्या रखते हैं आप दोनों में? हाँ जी, नहीं नजरिया कावेरी सीड का तो है, एक आध साल यदि अगर जाता है तो 900-1200। एचबीएल पावर भी है, पहले लिया था मैंने 8-9 रुपये पे, फिर बेच दिया था जी 25 के आसपास, तो फिर 43 पे लिया है अभी, ओके, इसको देखता रहता हूँ काफी टाइम से। चलिए संजीव, इनका सवाल, एक तो कावेरी सीट पर है, 50 शेयर है, 389.90 की रेंज में खरीदारी है, 490 आ रहा है, तो मुनाफा तो अच्छा खासा है, 100 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, 50 शेयर है, लेकिन इनका टारगेट करीब 1100-1200 रुपए के आसपास का है। दूसरा एचबीएल पावर, इन दोनों पर ही अगर आप राय दे पाए। देखिए सुमित, लाइक नो डाउट कि कावेरी सीड एक अच्छी कंपनी है, एक डेट फ्री कंपनी है। आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखिए, डेट नील है, और लाइक जैसा कि गवर्नमेंट का फोकस भी, यू नो अभी बजट में गवर्नमेंट ने एक साफ साफ यू नो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक यू नो अपना फोकस दिखाया था, लाइक एग्री क्रेडिट को 10 लाख करोड़ के अनुमति मिली है, 10 लाख करोड़ की, और यू नो फार्मर की इनकम को भी 5 सालों में डबल करने की बात चल रही है, और काफ़ी इंसेंटिव भी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में मिला था। तो डेफिनेटली कावेरी सीड जैसी कंपनियों को गोइंग फॉरवर्ड लाभ होगा, तो कावेरी सीड्स के लिए मेरी इन्हें होल्ड की सलाह होगी। ठीक है, इस बीच कमल हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से ही हैं। कमल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछे। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, आई हैव गॉट डीएलएफ 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 152। ठीक है, यस सर, आई वांट टू नो द फ्यूचर ऑफ डीएलएफ एंड द अदर रियल एस्टेट कंपनीज, बिकॉज एज द करंट बैंक नॉर्म्स आर गेटिंग चेंज एंड इंटरेस्ट रेट इज गेटिंग डाउन, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रियल एस्टेट एज वेल एज डीएलएफ। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए। ऑल टुगेदर वैसे आपकी खरीद मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, तो ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ख़राब है, परिस्थितियाँ इस समय अलाउ ही नहीं कर रही हैं कि ये बड़ा मूव तो खैर आना है डीएलएफ में, ये हो सकता है रिवर्सल का आ जाए या फिर यहाँ पर शॉर्ट ट्रैपिंग का भी आ जाए, क्योंकि कैसे जंक्शन पर आके फंसा हुआ है ये। एक बार इम्तियाज़ आप इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखिए, ये 140 में थोड़ा और डिफाइन कर दूँ, 140 पे क्रॉस ओवर्स भी हैं, तो शायद जल्दी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक भी करेगा तो ऊपर आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलेगा इनके प्राइस के ऊपर ही, आप भी देख पाएंगे शायद 152-155 के ऊपर ही। अभी ये करें क्या, पोजीशन होल्ड करें, एक बार सौदा बाहर ले आए इससे, उसके बाद नए रणनीति के साथ सोचें, या फिर अभी एक वॉल्यूम वाला हिस्सा छोड़ के रख दें कि मैं इतना वॉल्यूम अभी और प्लस कर सकता हूँ एवरेज करने के हिसाब से, और एवरेज कहाँ पर किया जाए ये भी बताइएगा। देखिए डिम्पी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉट वेरी मच पॉजिटिव फॉर द डीएलएफ। देखिए इनका एक न्यूज़ आया था कुछ 2 दिन पहले, और वहाँ पे जब वो न्यूज़ फ्लैश हुआ था स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, और स्टॉक्स में हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई थी, एंड दैट वाज मच हायर देन द उनके 10 डेज के एवरेज से।
एक ये इंडिकेट हो रहा है कि जिनके पास पोजीशन थी शायद से उन न्यूज के बाद वो एग्जिट हो चुके हैं यहाँ पे। फिलहाल इनके लिए एक ही चीज है, यहाँ पे 139 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो उस दिन का लो था। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो हो सकता है कि एक पुल बैक आए, बिकॉज स्टॉक्स थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो पुल बैक होगा तकरीबन 150 टू 153 के आसपास, तो वहां पे इनके जो कॉस्ट टू कॉस्ट है वहां पे एक बार इन्हें निकल जाइए, बिकॉज हो सकता है कि वहां पे टच होने का फॉलो अप सेलिंग वापस से नजर आ सकती है। तो फिलहाल अभी बने रहिए विद स्टॉप लॉस 139। वो ब्रेक होते हैं मेरे ख्याल से हो सकता है कि डीप करेक्शन भी देखने मिल सकता है। अगर वो 139 ब्रेक नहीं होता तो वापस से 152 153 ऊपर स्तर देखने मिलेगा, वहां पे एक बार एग्जिट ले लीजिए। जी, तो आपको राय दी गई है, रणनीति बताई गई है डीएलएफ को लेकर। एक बार रिलायंस पे नजर डालिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 4% ऊपर है रादर, जो 1300 के लेवल जिसको सुबह से टेस्ट कर रहा था उसको पार किया है, 1306 के स्तरों पर है और डे हाई पर है, 47 रुपए की बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है। बातचीत करते हैं राजेश है, अगले दशक दिल्ली से मौजूद है। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास भागीरिया इंडस्ट्रीज के 300 शेयर हैं जी, 298 पर लिए हुए हैं। ओके, इसको कितना और होल्ड करना चाहिए, मतलब कुछ मार्जिन अच्छा मिल जाए। राजेश जी आपने किसकी राय पे खरीदारी की थी? सर एक फ्रेंड ने ही बोला था। आप जानते हैं कंपनी का कामकाज क्या है? ये तो पेंट्स वगैरह और उसमें केमिकल्स में है जी, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स, साथ साथ कुछ और डाइज, केमिकल डाइज है उसके कामकाज में है और मुंबई बेस्ड कंपनी है, वापी में इसका एक प्लांट भी है। संजीव अगर आप ट्रैक करते हैं भागीरिया इंडस्ट्रीज को, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी है, कैश साउंड है कंपनी के पास, एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट भी रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्प्लिट बोनस भी आता रहा है समय समय पर, आपकी राय कहती है भागीरिया इंडस्ट्रीज पर? देखिए सुमित, जैसा आपने कहा कि भागीरिया में टाइम टू टाइम डिविडेंड आता है और यू नो कैश रिच कंपनी है, फिर भी मैं मानता हूं कि यू नो इन्हें भागीरिया इंडस्ट्री में के स्पाइक में एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यू नो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो गोइंग फॉरवर्ड परफॉर्मेंस दिखाने में थोड़ा समय लगा सकती है, तो मार्केट में यू नो अदर अच्छी कंपनियां हैं, अदर यू नो केमिकल कंपनियां हैं, तो उसमें भी निवेश किया जा सकता है। तो बेटर स्ट्रेटेजी यहां पर यह है कि यू नो एक स्पाइक में एग्जिट होके दूसरी कंपनी में निवेश करें। ठीक है। इस बीच बीएस चड्ढा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से हैं। चड्ढा जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। मेरे पास 100 शेयर हैं एशियन पेंट्स के, 490 के हिसाब से। अरे वाह, बहुत अच्छी खरीद है। मारुति सुजुकी है 15 शेयर 4000 पे। अच्छा, 4000 पे मारुति भी है। जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो अभी प्राइस से तो लग ही रहा है सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि डबल होने पर भी अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो इससे तो क्लियर हो जाता है, और डबल होने की कैपेसिटी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास होती है, ट्रेडर तो इतना पचा ही नहीं पाता, ये तो खैर सच बात है। लेकिन दोनों पे व्यू ले लेते हैं, वैसे आप इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं कि सिर्फ टारगेट ही पता करना चाहते हैं कितना चल के और ऊपर आ जाएगा? चड्ढा जी इस स्टेज पे बेचने की तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं टारगेट पता करना चाहते हैं कितना और चल सकते हैं। हाँ ठीक है, पूछ लेते हैं। इम्तियाज आपके रिकमेंडेशन क्या है? ये एशियन पेंट और मारुति को बेचेंगे भी नहीं, और बेचे भी क्यों, क्योंकि अच्छे लेवल पे तो है ही, तो प्रॉफिट तो इनके पास पहले से है, 4000 का मारुति है और 450 का एशियन पेंट है, लेकिन ये कितने और चल सकते हैं ये थोड़ी सी जानना चाहते हैं। आप इनको बताएंगे प्राइस डिस्कवरी, अगला एक साल का भी टारगेट दे सकते हैं आप? देखिए रिपी, मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स है काफी बड़े दिग्गज स्टॉक है, मारुति हाईली रेटेड इन ऑटो सेक्टर्स है, पेंट कंपनी में अगर हम बात करें तो एशियन पेंट से बढ़ के कोई नाम ही नहीं आता, तो ठीक है कंपनी फंडामेंटल वाइज काफी अच्छी प्रोनाउंस साउंड कंपनी है, बट अगर टारगेट्स की बात करें यहाँ पे एशियन पेंट्स में, तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से ये मंथ की एक्सपायरी में हो सकता है कि एक बार एशियन पेंट आपके 1100 रुपए के लेवल को छू सके। यहाँ पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, 650 से वन वे रैली चालू है, 144 तक गए, बीच में काफी ज्यादा मल्टीपल करेक्शन भी हमने देखे, बट काफी ज्यादा साउंड है, अभी भी 1003 के स्टॉपलस है, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एशियन पेंट में 1107 1130 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर हम मारुति की बात करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे स्टॉक चल चुका है, यहाँ पे 4765 से नॉन स्टॉप 6200 तक जा चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक फ्रेश मूव आने की तैयारी है, उससे पहले के जो कंसोलिडेशन जोन होते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल बने रही है मारुति में भी तकरीबन 5875 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता अपने आप को मेंटेन करिए बाय साइड में, और जैसे स्टॉक्स 6040 ब्रेक करता है हो सकता है कि नया ऑल टाइम हाई छू ले। जी चलो, तो आपको रणनीति बताई गई है दोनों ही शेयरों को लेकर, हालांकि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी लेवल्स पे खरीदी है, तो आप अपनी पोजीशन को सिर्फ रिव्यू करें और बेचने की फिलहाल एटलीस्ट आप ना सोचें।